हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौविक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट निकला है, जिस पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डिटेल्स में। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो निकला है 665 के वैकेंसी है, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप डी के बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे निकला है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो पोस्ट निकला है उसका भी मैं यहाँ पे डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ पास में जो बेल आइकन दिया है उसका प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों, फर्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 294 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और मिनिमम एज यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स तक यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके लिए सैलरी आपको रहेगा 25,500 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए, जिसके अंदर वैकेंसी है 868 नंबर के लिए 12th पास होना चाहिए। इसका भी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज बेसिक जो सैलरी है आपको यहाँ पे सेम मिल जाएगा। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए वैकेंसी निकला है 244 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दोस्तों, जो पोस्ट यहाँ पे निकला है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 84 वैकेंसी निकला है। ग्रेजुएशन और LLB इन लेबर लॉस के यहाँ पे आपको डिग्री चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो पोस्ट यहाँ पे निकला है चीफ लॉ असिस्टेंट 61 वैकेंसी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए पीटर एंड बार। उसके बाद दोस्तों, जो पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है लैब असिस्टेंट Grade 3 के लिए। उसके बाद फिंगर प्रिंट एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी निकला है। तो दोस्तों, ये सब जो वन बाय वन जो वैकेंसी जो पोस्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब 12th पास जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे जो इस जो पोस्ट को मैं बताने जा रहा हूँ, इस सभी पोस्ट के लिए 18 to 30 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हेड कुक के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है। कुक के लिए यहाँ पे पोस्ट निकला है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली। फोटोग्राफर के लिए भी एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए यहाँ पे निकला हुआ है। तो दोस्तों, अभी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी है, इसके लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल के लिए वैकेंसी निकला है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जियोग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स फीमेल के लिए भी यहाँ पे निकला हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होम साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेजुएट टीचर हिंदी एंड इसके साथ साथ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, फिजिक्स ट्रेनिंग इंस्पेक्टर इंग्लिश मीडियम मेल, फिजिक्स ट्रेनिंग इंस्पेक्टर इंग्लिश मीडियम फीमेल, असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल एंड म्यूजिक मिस्ट्रेस, डांस मिस्ट्रेस, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सब वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। तो दोस्तों, जो लोग एप्लीकेशन कर सकते, मिनिमम जो एज लिमिट है यहाँ पे 12th पास है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, CBT आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद स्किल टेस्ट एंड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं SC ST OBC के लिए, SC ST PWD के लिए यहाँ पे 250 रुपीस आपका एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। जो लोग OBC एंड जनरल हैं, उन लोगों के लिए 500 रुपीस यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे 8 मार्च 2019 से यहाँ पे एप्लीकेशन शुरू हो गया है। लास्ट डेट इसका है 7 अप्रैल 2019। तो दोस्तों, 7 अप्रैल 2019 इसका लास्ट डेट है। तो एप्लीकेशन करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन अगर आप लोगों के पास होता है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।